दवाइयाँ देख लेना और ना लिस्ट बना दो जो जो दवा नहीं है, सुई नहीं है। अच्छा मैडम, 850 है ना, वो खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, हम उसका लिस्ट बना देते हैं, ठीक ना, देख लो। ऐसी लो। और बोले है ना कि उस रूम में पेशेंट है एक, उनको थोड़ा सा सुई लगा दो, एक सुई लगाना है। अच्छा ठीक है, ऑर्डर कर दीजिए। हाँ हाँ, हम कर दे रहे हैं, और जाओ तुम देख लो वहाँ पे, ठीक है। और एक पेशेंट का ब्लड चेक करना था, वो कर दे। हाँ हाँ, सबको देख लो, अभी तो पता नहीं कौन पढ़ल और सब आया ही नहीं, सब पता नहीं क्या करता है नौटंकी यहाँ पे, टाइम ओवर हो गया इतना। चलिए ठीक है, देख, पता नहीं अभी तक कोई पेशेंट आया नहीं, आजकल बहुत धंधा चल रहा है। ये सब दवाइयाँ भी बहुत सारा खत्म हो गया है, सब टेबलेट लेना है। मैडम। हाँ बोलो। सबको देख लिया, सब अच्छे हैं। ठीक है। और एक नया पेशेंट आया है। अच्छा, उसको बुलाऊं अंदर? हाँ अंदर अंदर बोल दो, आ जाइए अंदर। प्रणाम मैडम जी। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। क्या हुआ है? हमारे बहुत बड़ प्रॉब्लम है मैडम जी। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है बोलो। बहुत डॉक्टर के पास गई, देखो जल्दी ठीक ही नहीं हो, तब सोचा नहीं कि नया नया हॉस्पिटल खुलल बा, अब मैडम जी आई बल के तो जो इलाज करा लेंगी। हाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है अभी तो, और यहाँ पे जो मैं ही डॉक्टर हूँ और हर एक चीज़ का इलाज करती हूँ, और बहुत अच्छा से इलाज। हमरो इलाज कर दूँ ना मैडम जी। हाँ क्यों नहीं, बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम ये बा ना कि हमारे शादी के लिए 2 साल हो गई, लेकिन अभी तक हम बाप ना बने नहीं, बहुत हमार एकदम लालसा रहे कि हमरो एगो लड़का हो जाए थे। अच्छा ऐसा बात है, तो अपनी वाइफ को ना लेके आए? वाइफ के ना ले गए नहीं, पहले कहीं हम ही चलिए अपन चेक करा लियो, ओकरा बाद में रालू के बारे में चेक कराए। हाँ सही रहता, लेकिन मतलब कि देखो ये जो प्रॉब्लम है एक हस्बैंड वाइफ के बीच है, और इन्हीं के बीच में होगा जो भी होगा, तो मतलब कि जब आप अपनी वाइफ को नहीं लेके आए तो अभी तो आप ही को चेक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपनी वाइफ को लेके आइएगा, उनको भी हम चेक कर। मैडम जी हमरा के चेक कर लिए, दवाई तो नहीं दे दी, हमारे लड़का हो जा सन, हमारे लड़के नहीं। देखिए आप बता नहीं सकते कि आप में प्रॉब्लम है या उनमें, दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे तो मैडम जी हम ठीक ना हो, हमारे लड़का ना हो गया सन। अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, आप ठीक क्यों नहीं हो गए, दवा चला दूंगी ठीक है। अभी बाप बड़े के बने के बड़ी शौक। अच्छा ठीक है आप बैठो, मैं चेक कर लेती हूँ आपको, चलिए वहाँ पे बैठिए। लेके आते तो और ही बेटर रहता है ऐसे तो। हाथ दीजिए। ऐसा तो कुछ अभी पता नहीं चल रहा है मैडम जी। क्या बोले, चेक नहीं ना, तुम बताइए कौन कौन बीमारी मैडम जी हमारा में। देखिए आप में कोई बीमारी नहीं है, जो भी आप सही है ठीक है। कोनो बीमारी नहीं है तो काहे नहीं खुश लई क्या हो, तो हम रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं। आपकी वाइफ में कोई बीमारी होगा तो आप उनको लेके आइएगा, मैं कल उनको चेक कर लेती हूँ तो पता चल जाएगा। आप में तो मैं चेक कर लेता, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो उन्हीं में होगा। तो हमारे में रुआ तो बीमार ना लगे, देखे में नहीं मैंने बिया हम बीमार। देखिए ये बीमार की बात नहीं है ठीक है, ये बीमार आदमी होगा और हट्ठा कट्ठा रहने से नहीं होगा, वो अंदर की जो प्रॉब्लम होती है ना, जिस चीज से बच्चा उत्पन्न होते हैं उससे दिक्कत होता है ठीक है, उस चीज को देखना है। देखकर कोनो इलाज तो हुई ना मैडम जी, आप ही बताइए कोई समझ में नहीं। इलाज है, इलाज है, बट आपको मैंने चेक किया लेकिन आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी वाइफ को लेके आइएगा, उनको चेक करूंगी तब पता चलेगा, शायद उनमें हो, जब आप में नहीं है तो समझे। और मैं गोली दे देती हूँ कुछ, और खा लीजिएगा, हम तो होने वाला होगा जो ना, तो कल भर में वैसे पता चल जाएगा, 24 घंटे की वो गोली होते हैं। अच्छा ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मैडम जी, अरे रौदा तो इतना बढ़िया लगा था नहीं ना, कि लगा था कि धरती से उतर के परी आ गई। सच में एकदम इतना सुपर लगा था ना, एकदम क्यूट लगा था नहीं। मेरे से प्यार करिएगा? हमरे से प्यार करो मैडम जी। हाँ क्योंकि मैं लाइफ में किसी से प्यार की नहीं, डायरेक्टली मेरी शादी हो गई ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि प्यार कर लूँ किसी से। हाँ मैं तो मेरा रूबिया गौरे, ये जी डॉक्टर लाइन से हमें प्यार हो गई।
उधर किससे बात कर रहे हो? एकरा से प्यार करो। हेलो, उधर किससे बात कर रहे हो? हम प्यार करी चाहत नहीं रोगा से, आप हमरा से प्यार करो ना। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि तुमसे बहुत मुझे प्यार हो गया है दो ही मिनट में। मैडम जी, आप गजब लागत नहीं, एकदम झकास लागत नहीं, सच में सही के एकदम देखत होई कुल कितना बढ़िया बढ़िया लागत है, एकदम मस्त में लागत है मैडम जी आप। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, मेरे से प्यार कर लो। तो हम तो तैयारी बहन बताई। पहले सुनो, यहीं पे रहोगे ना? हाँ हाँ, हम घर के छोड़ दे, हम रहोगी तो रहो। तो तुम्हारा बच्चा कैसे होगा? आए बुद्धू, इसीलिए तो तुमको कब से पागल बना रही हूँ। बच्चा कैसे होगा? जब तू बताओ कि कह रहे हो कि दो साल से मेरे बच्चा नहीं हो। चलो और उधर चलो, उधर चलो। तुम प्यार न करता नहीं, आप कैसे दूर हटी? अपनी जबान बंद करके रखो, मैं तुमको ऐसे बहला रही थी, ठीक है? बहला रही थी, किस लिए बहला रही थी? हमारे दिल पे चोट लग जाए मैडम जी। आप सुनो, मैं किस लिए तुम्हें बहला रही थी? जब तुम बोल रहे हो कि मेरे दो साल से बच्चा नहीं हो रहे, तो मान के चलो तुम कितनी लड़कियों लोग के पीछे घूमोगे, औरत के पीछे घूमोगे, तो तुम्हारा बच्चा कैसे होगा? तुम अपनी वाइफ को ही उतना प्यार दो, मानो, उनके साथ रहो, टाइम वेस्ट उनके साथ में करो। अरे तो तनी ऑफिस हो के काम बाहर में रुको के झंझट बात। इधर मैंने तुमको पिघलाया तो तुम तुरंत पिघल गए। ऐसे ही कितनी सारी औरत होंगी, पिघलाएंगे तो पिघले जाओ। तुम्हारा बच्चा होगा कहाँ से बुद्धू? तो आप बनियान बनी एकदम अभी पीटेंगे, ठीक है? मैं तुम यहाँ पे तुम प्यार करने के लिए नहीं बैठी हूँ। ऐसे ऐसे पेशेंट को ऐसे बनाती हूँ कि कौन क्या है और क्या सोचता है, क्या दिमाग में है। ठीक और यही इलाज मैडम जी, घर जाकर अपन मेहनत पे ज्यादा खूब ध्यान दीजिए एकदम खूबी ना। हाँ, खूब अपनी वाइफ को ध्यान दो और अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और कल हो सके तो तुम लेके आओ, चेक कर लेती हूँ, उसके बाद जो निकलेगा उसका मैं दवा चलाऊंगी, और जितना हो सके टाइम उसके साथ में वेस्ट करो, ठीक है? ठीक बा मैडम जी, तब जात नहीं पर मेरा रू संगे ध्यान दे, लेकिन हमारा तो मन करता कि रोगी संगे ध्यान देती। बुद्धू, इसलिए तो कह रही हूँ ना, तुम्हारा दो साल से बच्चा नहीं, और चार साल हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं किया मैंने तुमको, वो ये देखो ये चीज को हम तुम्हें बहला रही थी, मतलब देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे रहते हो अपनी वाइफ के साथ, लेकिन अभी पता चला, ठीक है? तुम देखो, अगर तुमको बच्चा अपना मतलब चाहिए तो कुछ करो, ठीक है? हमारा के तो चाहबे करें बाप बनल चाहो तो निकलता ना दिन से। बाप बनना चाह रहे हो तो अपनी वाइफ से ना, कि दूसरे दूसरे के मुंह मारने से नहीं होगा, ठीक है? अभी जाओ, कल अपनी वाइफ को लेके आना, उसके बाद मैं चेक कर लूंगी तो पता चल जाएगा किसमें प्रॉब्लम। ठीक बा मैं तब दवाई दे रही हूं। हां, दवा दवा मैं लिख दे रही हूं, तुम वो दवा को ले लेना, ठीक है? ये लोग बोलिए, ये जो है ना कि सुबह शाम खाना है, सुबह शाम। हाँ, ये तीन दिन का गोली है, ठीक बा। हाँ, तीन दिन वो गोली, और ये लो, ये पकड़ो, ये दोपहर में एक गोली खाना है, ठीक है? ठीक। खाना और उसके बाद कुछ मतलब कुछ भी ऐसा फीलिंग होगा, अगर मतलब बेचैनी सा, ये हार्डवेयर का मतलब जो है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड गोली है। हाँ। तो बेचैनी सा होगा ना तो इसको खा लेना दूध के साथ में, ठीक मैडम। दूध के साथ नहीं खाना इसको, एक ग्लास दूध पीना जरूर, नहीं तो फिर ज्यादा सब बेचैन हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। नहीं ना हो ना तो हम फिर रहोगे के नहीं नहीं हो जाएगा, टेंशन ना, क्यों ना उपाय को काटे के पास आए। हाँ, पहले सुन ली, ठीक है? ठीक बा, जा तो नहीं, ठीक है, जा। मैडम हमसे तो हम प्यार हो गए, का करब, बड़ा ना झकास लगती है।